नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। कोविड 19 और लॉकडाउन का सीधा असर लोगों के काम पर पड़ा है, जिस वजह से करोड़ों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। बढ़ती बेरोजगारी चिंता का विषय है। वहीं आम लोगों के लिए हालात और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। पिछले साल के औसत के मुकाबले इस साल अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरी गंवा बैठे हैं। लॉकडाउन के दौर में ठप हुई अर्थव्यवस्था की वजह से करोड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है। नौकरी गंवाने से युवा परेशान है। हाथ में डिग्री लेकर नौकरी की तलाश में रोजाना दफ्तरों के चक्कर काटना युवाओं की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। अब बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां बेरोजगारी के मुद्दे पर अब मोदी सरकार को घेरने लगी हैं। इस महामारी में जिस तरह से लोगों का रोजगार छिना है, उससे ये साफ हो गया है कि कोरोना वायरस संकट का अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। बढ़ती बेरोजगारी से देश के युवाओं के माथे पर खिंची चिंता की लकीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी बेरोजगारी दर में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 9.83% दर्ज की गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 7.65% पर रहा है। जुलाई 2020 में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 9.15% थी और ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.6% थी। इससे पहले कुल बेरोजगारी दर जून में 10.99% पर पहुंच गई थी। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि देश में रोजगार की स्थिति बेहतर होगी, लेकिन आंकड़े इस अनुमान के बिल्कुल विपरीत सामने आए हैं। ये आंकड़े अब सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन सकते हैं। अगर बात की जाए राजनीति की, तो बेरोजगारी देश की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करने के लिए और देश के युवाओं को अपने पाले में करने के लिए बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते आए हैं। ऐसा ही कुछ अब कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। युवाओं के दिलों में जगह बनाने के लिए कांग्रेस ने बेरोजगारी पर आवाज उठाने के लिए ताली और थाली जैसे कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं। आलाकमान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर युवाओं को जोड़ा जाए। देखिए, देश में बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस महामारी के दौर में सरकार कैसे युवाओं को रोजगार के मौके देगी और उनकी मुश्किलें कम करेगी। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।